अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। मैं ओंकार हूं। लौकिक और स्थूल दृष्टि से देखने पर केवल शून्य हूं, किंतु अंतर दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर मैं शक्ति और सामर्थ्य का आगार हूं। मैं ओंकार हूं। सुदेहा ने निःसंतान परिवार के सुख के लिए छोटी बहन कुष्मा को विवाह के लिए मना लिया। विवाह हो जाने पर भी कुष्मा की शिव भक्ति में अंतर नहीं पड़ा। वह रात्रि में भी नदी किनारे आकर अपने पति व बहन के कल्याण की कामना शिव से करती रही, किंतु सुदेहा के मन में सौत की ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, जिसके वशीभूत होकर एक दिन उसने शिवधन की हत्या कर उसे नदी के जल में छोड़ दिया और स्वयं ही रोने धोने का ढोंग रचा बैठी। घुष्मा और सुधर्मा रोते रोते विकल होकर भगवान शिव से पुत्र शिवधन को लौटाने की प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर शिव शिवधन को लेकर प्रकट होते हैं और सुदेया के षड्यंत्र का रहस्य उजागर कर उसे दंडित करना चाहते हैं, किंतु घुष्मा और सुधर्मा उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान हो जाएं। शिव वरदान देते हैं कि यह स्थान असाध्य रोगों से मुक्त कराने वाला होगा। भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। पर्वत के निकट सुधर्मा ब्राह्मण रहते थे, पत्नी सुदेहा कुष्मा के संग शिव की पूजा करते थे। नहीं सुदेहा केवल कुष्मा, शिव कृपा से माता जो बनी, निसंतान सुदेहा तड़पी डाह से उसकी दुखितनी। कुष्मा पुत्र की हत्या करके फेंका सरोवर में जाकर, कुष्मा नाम से प्रकट हुए शिव जी बन के घुष्मेश्वर। सुदेहा ने क्षमा याचना, भोले नाथ जी मुस्काए, घुष्मेश्वर लिंग को जो पूजे सुख समृद्धि पाए। जय जय घुष्मेश्वर, जय जय घुष्मेश्वर, जय जय घुष्मेश्वर, जय जय घुष्मेश्वर, प्रकार घुष्मा को शिव भक्ति के कारण मनवांछित फल प्राप्त हुआ, उसी प्रकार पार्वती के साथ सभी शिव भक्ति व आराधना से मनवांछित फल की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा और महिमा सुनने के पश्चात देवराज इंद्र को यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि समस्त ब्रह्मांड में भगवान शिव की शक्ति ही देव और मानव का कल्याण कर सकती है। इतने पर भी कामदेव के भस्म होने की घटना से वे
इतने अधिक आशंकित थे कि देवादिदेव भोलेनाथ की शरण में जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, और दूसरी ओर तारकासुर का भय भी उन्हें भयभीत किए हुए था कि कहीं उसके राक्षस उन्हें और देवगण को बंदी न बना ले। यहां तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। चारों ओर ध्यान से देखो, कोई ना कोई होगा। ध्यान से देखा, ज्ञान से देखा, कोई नहीं है। हम किसी देवता को पकड़े बिना महाबली तारकासुर के दरबार में गए तो प्रताड़ित होंगे। इस बार प्रताड़ित नहीं, दंडित होंगे। और महाबली का दंड बहुत कठोर होता है। जब दूर दूर तक तो कोई देवता दिखाई ही नहीं देता तो हम पकड़े भी किसे? ये प्रश्न तुमने यहाँ किया तो किया, वहाँ महाबली के समक्ष ना करना, अन्यथा तुम्हारे प्राणों पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये सब तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? मैंने क्या किया? यदि देवताओं को न पकड़ पाने का मैं दोषी हूँ तो तुम पांचों भी उतना ही दोषी हो। हम यहाँ विवाद करते रहेंगे, इससे परिणाम कुछ नहीं होगा। अच्छा तो यह है कि हम यहाँ से जाकर उन देवताओं को ढूंढें और पकड़ने का प्रयत्न करें। देवराज, देवराज, अच्छा हुआ पहले हमारी दृष्टि तारकासुर के राक्षसों पर पड़ गई और हम वहाँ से भाग निकले। हाँ, यदि उन राक्षसों की दृष्टि हम पर पड़ जाती तो अनर्थ हो जाता। ये क्या किसी अनर्थ से कम है? हम स्वर्ग के स्वामी होते हुए भी भीरुओं की भांति यहाँ से वहां मारे मारे फिर रहे हैं। हमने तो रामदेव और महादेव के पास जाकर भी इस तक का निदान खोजने का प्रयत्न किया है। हर बार हमें समय की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया जाता है। चलो! पार्वती की कठोर साधना से प्रतीत होता है उसे सफलता अवश्य मिलेगी। अग्निदेव, देवी पार्वती की आराधना अवश्य सफल होगी, किंतु यह निश्चित नहीं है कि यह सफलता कब तक प्राप्त होगी। यह अभी भी एक यक्ष प्रश्न ही बना हुआ है। कब का उत्तर तो स्पष्ट नहीं, पर ऐसा आभास होता है कि निकट भविष्य में ऐसा ही होगा। संभावनाओं पर टिके हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है वायुदेव, बहुत समय व्यतीत हो गया है। जब तक निश्चित परिणाम सामने नहीं आ जाता, शांति कहां? तारकासुर के आतंक से जब तक मुक्ति नहीं मिलती है तब तक सारी आशाएं व्यर्थ। नारायण, नारायण। देवराज, आपने निराशा को पकड़ रखा है अथवा निराशा ने आपको पकड़ रखा है? इन दिनों आपकी समस्या और निराशा बढ़ गई। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं देवर्षि, अन्यथा ये निराशा सुख तो नहीं देती। जब परमपिता ब्रह्मदेव ने आपसे ये कह दिया है कि पार्वती की आराधना सफल होगी, फिर आप क्यों व्यर्थ में चिंता करते हैं? देवर्षि, कब? शिव शंकर की समाधि तो टूटती ही नहीं, देवी पार्वती कब से तपस्या कर रही है? नारायण, नारायण। देवराज, ये भक्ति की परीक्षा घड़ी है। इस समय शिवजी परीक्षक और पार्वती परीक्षार्थी है। निस्संदेह परीक्षक कठोर परीक्षा ले रहा है, किंतु परीक्षार्थी को सफल होने पर भरपूर और श्रेष्ठ फल भी प्राप्त होंगे। तो अब हम क्या करें? क्या करें? प्रार्थना करने के अतिरिक्त आप कर भी क्या सकते हैं? नारायण, नारायण। कैसी प्रार्थना देवर्षि? किसके लिए करें और किससे करें? ये भी मुझे को स्पष्ट करना होगा। देवराज, आपकी निराशा तो बहुत गहरे तक जा पहुंची है। आप स्वयं ही विचार करें, जब परीक्षार्थी परीक्षा देता है तो क्या उसके स्वजन परिजन उसके लिए परमपिता से प्रार्थना नहीं करते? उसकी सफलता के लिए भगवान से विनय याचना नहीं करते? पार्वती की सफलता में ही हम सबका हित जुड़ा हुआ है, तो क्या हमें उसकी कठोर तपस्या की सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? देवराज, जाइए शिवजी से प्रार्थना कीजिए। नहीं देवर्षि, नहीं, मैं शिव के समीप नहीं जाना चाहता। कामदेव बहन के समय शिव का जो उग्र रूप मैंने देखा, उसके भय से उनके सम्मुख जाने का साथ में नहीं जुटा पाता देवर्षि।
भस्म करने के पश्चात आप तो गहन और दीर्घ समाधि में लीन हो गए, किंतु यह स्थान सर्वथा शून्य हो गया है। आपकी उग्रता देखकर देवराज इंद्र तथा अन्य देवगण यहाँ आने से भय खाते हैं। और तो और देवी पार्वती जो नित्य आपकी पूजा के लिए आती थी वह अब नहीं आती। अब आपकी पूजा का पूरा दायित्व मुझी पर है। आपको एकांत प्रिय था ना, वो तो हो ही गया, किंतु अब भी देवी पार्वती कठोर तपस्या कर रही है, अति कठोर। उनकी तपस्या स्वीकार करें, उनकी मनोकामना को पूर्ण करें स्वामी। प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भो। कहो नंदी, सब कुशल मंगल है ना? अब क्या कहें? वही कहो जो हो रहा हो। यदि ये कहूँ कि सब कुशल है तो असत्य होगा, यदि ये कहूँ कि सब कुशल मंगल नहीं है तो भी अर्ध सत्य होगा। तो फिर नंदी सत्य क्या है? भगवान भोलेनाथ को एकांत प्राप्त हुआ तो लगता है कि सब कुशल मंगल है, किंतु भोलेनाथ की समाधि दीर्घ हो गई, देवी पार्वती की तपस्या कठोर हो गई और देवराज की पीड़ा लंबी हो गई, तो ये कहना ही पड़ता है कि कुछ भी कुशल मंगल नहीं है। नंदी, तुम तो ज्ञानियों ध्यानियों जैसी भाषा बोलने लगे हो। नारायण नारायण। आप जैसे श्रेष्ठ ऋषि मुनि की अमृत वाणी सुनता हूँ ना, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा देव ऋषि। उत्तम, अति उत्तम। नंदी, तुम ज्ञानी के साथ साथ वाक्पटु भी बन गए हो। अच्छा आप ये बताओ, भगवान भोलेनाथ की समाधि कब टूटेगी? इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं भोलेनाथ भी नहीं दे सकते, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? आप स्वयं जाकर पूछ लीजिए। अच्छा, तो तुम मुझे बलि वेदी पर चढ़ाना चाहते हो? नहीं देव ऋषि नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सोचना पड़ता है नंदी, सोचना पड़ता है। जब से भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया है, सब कुछ सोचना पड़ता है। ये सब कैसे ज्ञात होगा और कौन ज्ञात करेगा? भगवान भोलेनाथ की समाधि कब भंग होगी? देवी पार्वती की तपस्या कब सफल होगी? इन प्रश्नों का समुचित उत्तर तो भगवान श्रीहरि विष्णु दे सकते हैं, अथवा परम पिता ब्रह्मा जी। नारायण नारायण। आश्चर्य, ब्रह्मलोक सूना पड़ा है, ब्रह्मा जी वहां वन प्रदेश में भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो फिर गए कहां होंगे? लगता है हमारे बार बार आकर रक्षा के लिए निवेदन करने से तंग होकर वे वन प्रदेश चले गए थे, और अब हमसे तंग होकर वे अन्यत्र कहीं चले गए हैं। हमारी रक्षा के सारे मार्ग अवरुद्ध होते जा रहे हैं। क्या हम बार बार निराश ही होते रहेंगे? सोचना तो यह देवगण कि क्या हमारे लिए आशा का कोई मार्ग शेष बचा है। हाँ, मेरा विचार है यदि ब्रह्मदेव वन प्रदेश में नहीं है तो यही कहीं होंगे, हमें पुकारना चाहिए। हे ब्रह्मा जी, हे परम पिता, हे सृजनहार, हे ब्रह्मा जी, हमें दर्शन दीजिए, हम पर अपनी कृपा कीजिए। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, ये हमारी प्रार्थना है ब्रह्मा जी, ये हमारी प्रार्थना है। देवराज, देवगण, अधीर न हो, धैर्य धारण करें। काहिर का सुर के राक्षस और उनके अत्याचार धैर्य का हरण करके ले गए हैं देवी सरस्वती। उस तारकासुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। उसके उपरांत भी वो हमें पीड़ित करता है। क्या हमारे लिए ऐसा कोई सुरक्षित स्थान नहीं
जहाँ हम निर्भय होकर रह सकें। तो आप सभी देवगण ब्रह्मा जी से क्या अपेक्षा करते हैं? हम ब्रह्मदेव से प्रार्थना करने आए हैं कि वे तारकासुर से हमारी रक्षा करें, कारण कि वो ब्रह्मदेव के वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि इतना घोर और भीषण अत्याचार हम पर करने के पश्चात भी उसके पुण्य अब तक क्षीण नहीं हुए। अब तो हम ब्रह्मदेव से स्पष्ट निवेदन करना चाहते हैं कि वे तारकासुर को उसके अत्याचारों का दंड देकर उसे स्वर्ग से निष्कासित करें। मैं आप देवगण का संदेश ब्रह्मदेव तक अवश्य पहुंचा दूंगी। आप कृपा करके हमें उन तक पहुंचा दें, हम स्वयं ही अपनी पीड़ा का उनसे निवेदन कर लेंगे। किंतु इस समय वे यहाँ नहीं हैं। देवी सरस्वती, कहाँ गए हैं वो? वे आवश्यक कार्य के लिए गए हैं। आप सभी धैर्य धारण करें, शीघ्र ही आपकी समस्याओं का निदान होगा। यदि बताने में आपको आपत्ति ना हो तो कृपया बताएं, ब्रह्मा जी कहाँ गए हैं? वे पार्वती की कठोर तप के विषय में सप्त ऋषियों से परामर्श करने नक्षत्र लोक में गए हैं। नक्षत्र लोक? भयभीत देवताओं के लिए भय मुक्ति की इच्छा एक प्रश्न बनकर रह गई थी। ऐसा प्रश्न जो विकराल रूप धारण कर उनके सामने खड़ा था। वे सदा यही सोचते रहते थे कि क्या उन्हें कभी तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति भी मिलेगी, क्या कभी वे पुनः स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर सकेंगे और क्या भोलेनाथ की उन पर पुनः कृपा होगी। देवताओं के इन समस्यापूर्ण प्रश्नों का समाधान कब होगा यह तो भविष्य ही बता सकेगा।